आज रमेश नगर पोस्ट ऑफिस में विभाजन विभीषिका स्मृति प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ये प्रदर्शनी 10 से 14 अगस्त तक रहेगी। इस विभाजन विभीषिका स्मृति प्रदर्शनी का संचालन रमेश नगर पोस्ट ऑफिस के हेडमास्टर राम प्रसाद के नेतृत्व में किया गया। इस कार्यक्रम में रमेश नगर RWA वेलफेयर एसोसिएशन के सभी सदस्य और अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद थे। आपको बता दें कि 14 अगस्त के दिन 75 साल पहले अखंड भारत के दो टुकड़े हुए थे। इस दर्द को याद करते हुए पीएम मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले ऐलान किया था कि अब हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर याद किया जाएगा। देश का विभाजन कैसे विभीषिका बनी और उसका असर आज भी देखा जाता है, इसे याद करने के लिए 14 अगस्त को ये खास दिवस मनाया जाता है। आज ये प्रोग्राम जो आपने किया है, कार्यक्रम जो किया है, उस संदर्भ में आप क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे दिल्ली? देखो, जैसा कि आप सभी को विदित है, 15 अगस्त को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से ये घोषणा की थी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश 75वें स्वतंत्रता दिवस तक मनाएगा, तो उसी के उपलक्ष्य में इस प्रोग्राम का आज आयोजन किया गया है। और ये प्रोग्राम है, जो प्रदर्शनी लगाई गई है, वो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में की गई है। देश का विभाजन हुआ था 14 अगस्त 1947 को, तो उस टाइम जो पार्टीशन के समय इंडिया और पाकिस्तान हुआ था, तो पाकिस्तान से जो लोग हमारे यहाँ आए थे या हमारे यहाँ से जो पाकिस्तान गए थे, उन्होंने किस तरह की परेशानियाँ झेली, और ज़्यादातर जो पाकिस्तान से पंजाब साइड में जो लोग आए थे, आज भी ये जैसे रमेश नगर ऐसी एरिया है, उन्होंने अपने आप को कैसे स्थापित किया, और आज जो खुशहाली है वो इन सब की देन है। तो हमें इससे सबक सीखना चाहिए कि जब भी कोई विभाजन होता है या इस तरह की त्रासदी होती है, तो उससे इंसानियत का ही खून होता है, जो कि बहुत बुरी बात है। उस चीज़ से हमें सबक लेते हुए आगे के लिए अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। और ये जो आपसी द्वेष भावना है, किसी भी तरह का धार्मिक विद्वेष है, वो पैदा नहीं करना चाहिए। सबको भाईचारे से एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका साथ, इसी पर हमें चलना चाहिए। तो मेरा आज यही संदेश है कि हम सब मिलजुल के रहें, आपसी भाईचारे के साथ रहें, क्योंकि ये भारत माता है। अगर किसी को थोड़ी सी भी ठेस पहुँचती है, तो सबसे पहले भारत माता को ठेस पहुँचती है। तो मेरा यही संदेश आज, और आज के प्रोग्राम का भी मुख्य उद्देश्य यही है। और ये प्रोग्राम 10 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक चलेगी, और इस दौरान स्कूल के बच्चों का भी वो विजिट कराया जाएगा, और जो भी बुजुर्ग पोस्ट ऑफिस में विजिट के लिए आएंगे, तो उनको भी ये प्रदर्शनी दिखाई जाएगी और उनसे भी अपने अनुभव शेयर करने के लिए बोला जाएगा। विभाजन की जो त्रासदी है, जिस तरह से हमने सही है, मैं उन सहने वालों में हैं जिनके ऊपर ये सब हुआ था। मैं वो उस वक़्त बर्दाश्त किया था, मैं उस बात का गवाह हूँ कि जो उस वक़्त जो कुछ भी हुआ था, किस तरह से लोगों को घरों से निकाल कर कत्ल किया गया था, किस तरह से जब पॉपुलेशन का ट्रांसफ़र करना था, जिस तरह से इनका आपस में बातचीत हुई थी कि बड़ी सुरक्षा से सबको लेके आएंगे, वो सुरक्षा वाली बात नहीं रह गई। सुरक्षा रखने के लिए जो आर्मी भेजी गई, वो बलोच आर्मी थी, और उन्होंने सामने खड़े होकर के लोगों को कटवाया था। ये मैंने खुद देखा है। उस सबको देखते हुए वो गंगा जमुना तहजीब और सारी बातें हम में हैं, हम अब भी उसको मानते हैं। हम किसी को मारने में अब भी यकीन नहीं रखते हैं, लेकिन अपने को बचा करके रखना, इन सब से बच करके रहना, ये गला काट देने वाले जो फतवे जाहिर जो आज सुनाए जाते हैं, उन फतवों से डर करके रहना, उससे तो बच करके रहना, ये तो हमारा कर्तव्य है। अपने आप को बचा करके रखना, ये कोई जुल्म नहीं है ना जुर्म है, लेकिन इस तरह की जो बातें आज भी इस हिंदुस्तान में हो रही हैं, उन पर रोक लगनी चाहिए, और ये पॉपुलेशन जो है, इस पर कंट्रोल ज़रूर होना चाहिए। इसी तरह से पॉपुलेशन अगर बढ़ती रही अनइक्वली, कुछ लोग कुछ जो मज़हब हैं धर्म हैं वो एकदम से बढ़ते हुए चले जाएं और दूसरे लोग घटते हुए चले जाएं, तो ये जो
पॉपुलेशन का जो फर्क आ जाएगा ये देश के लिए बड़ा घातक होगा, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर भी आज के इस दिन, ये दिन तो आज़ादी का दिन है, तो आज़ादी के दिन पर हमें आज़ादी की बात करनी चाहिए, आज़ादी को याद रखना चाहिए और इस आज़ादी को बचाए रखने के लिए अपना तन मन धन से हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। राज सर्वप्रथम जाग उठाए भारत और भारत उत्सव परिवार की ओर से सभी देशवासियों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र व मदर इंडिया पत्रिका परिवार की ओर से सभी राष्ट्रवासियों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।